अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद रज़ा ख़ान है और मेरे साथ आज मौजूद हैं, मतलब कराची की बहुत मशहूर शख्सियत हैं, मैं उनको क्या तारीफ करवाऊँ, ज़फ़र अब्बास साहब। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा ज़फ़र भाई, पहला सवाल तो ये है कि यार, एक छोटी सी बात है, दुनिया भर के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है, लाइक उनके कोई भी मजहबी रसूमात जो होती हैं, बेसिकली कोई भी उनका इवेंट आता है तो एक एक्टिविटी के तौर पर गवर्नमेंट की सतह के ऊपर उनको रिलीफ दिया जाता है। हमारे ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? मतलब लाइक कोई भी आपका इवेंट हो, बकरीद हो, ईद हो, रमजान हो, गवर्नमेंट की तरफ से आपको भी दिया जाता है। आप उस चीज को अगर अपने दिमाग पर जोड़ दें तो आज से 6 साल पहले हीट स्ट्रोक के मौके पर गवर्नमेंट की जानिब से आपको लोड शेडिंग दी गई, ऐसा ही है। इसके नतीजे में 4,500 लोग मरे। आपके यहाँ सब्जियों के नर बढ़ा दिए जाते हैं जो कि आपके डीसीज और कमिश्नर के कंट्रोल में नहीं है। आपके यहाँ सब्जियों के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, आपके यहाँ फ्यूल का रेट बढ़ा दिया जाता है। ये तो उन्होंने बहुत एहसान किया, अभी कल ये बयान जारी करके कि हम जो 16 रुपये बढ़ा रहे थे फ्यूल पे, वो रमजान के एहतराम में रोक दिया है, वापस नहीं लिया, रोक दिया, और वो हम ईद के दिन बढ़ा देंगे। मतलब कमाल दिखे ऑनलाइन का। दुनिया में मजहबी त्योहारों पर आधी हो जाते हैं रेट, हर चीज़ों की प्राइस आधे हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किल है मिडिल क्लास आदमी के लिए जीना। और तो लाजमी बात है, वो ऐसा आदमी जो अपने बच्चों को अफ्तारी भी ना करा सके घर में, ये मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, या मेरी बात बिल्कुल ही, आप बिल्कुल सही है, एग्री टोटली एग्री। जब मिडिल क्लास ही अफोर्ड नहीं कर सकता, अफ्तारी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया लोगों के घरों में, खजूर और खाना एक साथ होता है। अब वो बात कहते हैं हमारे घर में ऐसे ही होता आ रहा है, अक्सर घरों में गए मिडिल क्लास, तो बात समझ में उस वक्त जहन में नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में जब गौर करते हैं समझ में आती है कि एक वक्त की अफ्तारी अगर किसी घर में 10-12 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो वो 500-600 रुपए की बात है भाई। 600 रुपए का मतलब 18,000 रुपए की वो अफ्तारी कराए, और फिर खाना भी तो खा रहे हैं लोग रात का, तो वो कैसे आप अपना मजहबी त्यौहार भी, उस अकीदत और वो जो उसकी रूहानियत या जो भी उसकी लज्जतें हैं वो आप नहीं ले सकते, क्योंकि आप इस मुल्क में रह रहे हैं और जहाँ पर जुल्म का निज़ाम है, और क्या कहते हैं, गरीब का ऊपर गरीब का तो कोई हाल ही नहीं है, कोई किसी सारा सरमायादार लोगों की सारे मजे हैं भाई। अच्छा, गरीब आदमी परचेजिंग कर रहा होगा किसी फल की, तो ये आप ये मत समझिए कर रहा हो, किसी का ड्राइवर होगा या किसी का बोर्ची होगा सामान लेने होगा। बात बताएं कि ज़फ़र अब्बास एक लोअर मिडिल क्लास आदमी, ठीक है, खुशी होती है देखते हुए कि यार एक हमारे जैसा भी आदमी इतना इनिशियल स्टेज के ऊपर, मतलब मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 2009-10 की बात है शायद, तो उस टाइम से मैं छोटा था, तब से आपको मतलब देखते हुए आ रहे हैं कि यार एक मिडिल क्लास की आवाज़ भी एक बंदा आगे पहुंचा रहा है, ठीक है, वो खुद इनिशिएट ले रहा है, चाहे वो मैंने हीट वेव देखा हो, ठीक है, चाहे वो मैंने रमज़ान की अफ्तारी हो, सहरी हो, ठीक है, उसके अलावा कोई भी दहशतगर्दी हो, ठीक है, किसी हवाले से टारगेट किलिंग हो, तो ये सारी चीज़ों में फ्रंट पे एक ज़फ़र अब्बास क्यों? मैं समझाता हूँ, देखिए ज़फ़र अब्बास अकेले तो कुछ भी नहीं है, ज़फ़र अब्बास के पीछे पूरी टीम है, टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, वो टीम भी सारी उन्हीं लोगों पे है। आपका स्टांस है ना बेसिकली, लाजमी बात है, अगर वो मुझे भरोसा नहीं करते, मेरे साथ नहीं खड़े हैं लोग, तो अकेला आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता, उन सबकी सपोर्ट की बदौलत ही मुमकिन हुआ। और दूसरी बात ये कि बात वजन इसलिए रखती है कोई भी कि अपनी आंखों से देख रहे हैं ना कि यार हीट स्ट्रोक आ गया है, जिस हमारी सारी एम्बुलेंसों को कॉल, अगर दिन में 10 कॉलें थी तो 1 घंटे में 1,000 कॉलें आ रही हैं, इसका मतलब कोई मुसीबत आ गई है। वो कौन सी मुसीबत है जो नज़र ही नहीं आ रही है, ना पानी नज़र आ रहा है, ना बिल्डिंगें गिर रही हैं, जलजले की सूरत हाल भी नहीं है, सुनामी की भी नहीं है, आंधी भी नहीं चली है, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ वैसे ही है। और जो आदमी घर से निकल रहा है खड़े खड़े गिर रहा है और मर जाता है, गवर्नमेंट ने अवेयरनेस भी नहीं दी कि इसके ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दो तो ये बच सकता है, जब कोई ना अवेयरनेस है ना सेहत के इदारे कुछ कर रहे हैं, PDMA या NDMA जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, उनको खुद भी नहीं पता, वो बेचारे क्या बताएंगे, 12 बजे वो ऑफिस आते हैं, 2 बजे घर चले जाते हैं। हर चीज़ की एक तादाद को उसके मैसर हिसाब से उसको प्रोवाइड किया जाता है। आप जो काम कर रहे हैं वो लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, पूरे रमज़ान को ओवरऑल बताऊँ तो लाखों की तादाद में, उससे लोग एक फैमिली माहौल और बहुत सारी चीज़ें, आपस में मिलना जुलना, गरीब का, बड़े का, छोटे का, किसी अमीर का, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कोई भी मज़हब से हो, तो वो एक यूनाइट होकर सबको आप एक चीज़ एक जगह पे लाकर खाना प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, हमारी कोई हैसियत नहीं, आपकी मेरी कोई हैसियत नहीं है, वो तो अल्लाह ने हमें वसीला बनाया बेसिकली, लेकिन ये इतना बड़ा स्टांस आपने लेने की वजह, और दूसरी बात इसी में ऐड करूँगा कि आपका जो भी रिसेंटली हो रहा है ये अफ्तारी और सहरी, इसमें कुछ सवालात लोग करते हैं और बड़े तर्क सवाल हैं कि इतने शशके क्यों, इतने ज़्यादा ये खरगोश का गोश, अभी शुतुरमुर्ग का आपने सभी देख रहा था मैं कि 50 शुतुरमुर्ग जो है ना इस पूरे रमज़ान में आप सहरी के खिलाएंगे, तो इतने ज़्यादा, मतलब एक नॉर्मल बंदा है कि यार वो कहता है कि यार इससे अच्छा आप एजुकेशन दे थे, आप इससे अच्छा एम्बुलेंस पढ़ा लेते, आप इसके अलावा कुछ भी कर सकते थे, तो ये शुतुरमुर्ग, खरगोश और ये सारी चीज़ें, ये मेरा सवाल नहीं है, ये पब्लिक का जो कुछ लोग हैं, मैं लोग हैं,
क्या ये सवाल उस पब्लिक का है कि जो एक नॉर्मल शॉपिंग सेंटर में जाके गुल अहमद का लॉन का सूट खरीद सकती है? हो सकता है उन्हीं की तरफ से भाई 27,000 रुपये 23,000 रुपये का सूट खरीदना एक गरीब आदमी की बस की बात बस की बात नहीं है। ठीक है, ये हम जितने भी खाने कर रहे हैं ये उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक आदमी है वो पैदा हुआ उसने सोचा जी मैं उमरा करने जाऊंगा अल्लाह का घर देखूंगा। बच्चा था, लड़का हुआ, जवान हुआ, बुढ़ा हुआ, मर गया, उमरा नहीं कर सकता। मैं आज ऐलान करूं ऐसे लोग जिनके पास जिनकी आरजू है आज वो 80 साल के हो गए कि मैं उनको उमरा करा देता हूं, जो मुखय्यर हजरात हैं अपने दिली सुकून तस्कीन के लिए अमीर लोग हैं और नहीं जा पा रहे उमरे पर, उनकी ख्वाहिश है उनको सुकून मिल जाए वो पैसे दे दें तो लोग दे देंगे पैसे। मैं उन लोगों उमरे पर जैसे ही रवाना करूंगा फिर एक तबका आगे खड़ा होगा इनको उमरा क्यों कराया, समझ रहे हो? उनको प्रॉब्लम होगी, वो कहेंगे इनको उमरा क्यों कराया, आप फलां को पढ़वा देते फलां। भाई देखें हर चीज का एक अलग अलग तरीका है, ऐसा से महरूमी को समझिए। एक बच्चा वो है जो स्कूल जब जाता है तो उसके वालदैन उसको पॉकेट मनी में 500 रुपए दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो बच्चा है जिसकी माँ रात की रोटी गर्म करके उसको तल के दे रही है, बेटा पापड़ है उसको तोड़ के खुद भी खाना दोस्तों को भी खिला देना। देखिए महरूमियाँ हैं ये, और जो लोग भी बातें कर रहे हैं कि ये कर लेते वो कर लेते आप कर लीजिए, रोका है किसी ने आपको? हम तो लोगों की महरूमियाँ दूर करने की कोशिश कर रहे हैं यार। हम जब कच्ची आबादी में ईद करने जाते हैं ना और हम वहाँ पे जाके चॉकलेट की तस्वीरें डाल देंगे, हमने ये 3 कार्टन जो है किटकैट चॉकलेट बच्चों को दी, लोग उस पर भी तनकीद करते हैं, कहते हैं इनको क्या जरूरत थी देने की, इनको क्या तमीज किटकैट की। तो भाई तुम्हारे बच्चे के लिए किटकैट, तुम्हारे बच्चा ईद के दिन पहनेगा अच्छा सूट, गरीब की बेटी शलवार किसी और से मांग के पहनेगी, कमीज किसी और से, रुपट्टा किसी और का होगा, तुम्हारी बीवी का फेंका हुआ मेकअप अपने मुंह पे लगाएगा तब भी तुम उससे हाथ नहीं मिलाओगे, तनकीद तुम फिर भी करोगे यार इसको क्या जरूरत थी मेकअप की, तो जुल्म है। देखिए मैं लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, हमने कपड़े के लिए अपील की कि ईद पे हम कपड़े दे रहे हैं 300 रुपए का शलवार कमीज मर्द का, 300 का औरत का शलवार कमीज का विद दुपट्टा। देखें आपका JDC में 300 रुपए कहाँ लोग ईद के सूट खरीदते हैं जाके 20,000 रुपए का, 300 का बोला तो उसमें भी लाइव वीडियो में लोग कमेंट्स कर रहे हैं यार क्या जरूरत पड़ी है, पुराना पहन लें, जरूरी थोड़ी ईद मनाएं फलाना दिमाग। इतने में एक मोहसिन साहब थे क्लिफ्टन में, उनका फोरम के बराबर में बुटीक वो है मॉल, उसमें उनका बुटीक था, उन्होंने मुझे फोन किया 16 रमजान होगी कि मुझे जितना सामान बेचना था उससे ज्यादा बेच चुका हूँ, अब मेरे बुटीक में जितने सूट हैं आप ले जाएं। हम उनके बुटीक पे गए, यकीन करें हमने वीडियो डाली है, मैंने देखी नए कुर्ते पूरा शॉप खाली कर दी उठा के, जब वो बांट रहे लोग उस पर भी कमेंट्स कर रहे हैं यार ये अच्छे कपड़े गरीबों को क्यों दे रहे हो। जहाँ जहन इतने दिल इतने सख्त हो गए हों तो आप खुद सोचे ना, गरीब आदमी गोश्त थोड़ी खा सकता, किसी गरीब मिडिल क्लास आदमी के घर में बिरयानी में 15 लोगों के लिए बिरयानी पक रही तो एक पाव गोश्त डलना है, बोटी का साइज ये है कि आप समझते हैं शायद काली मिर्च दांत में आ गई तो वो बोटी होती है। भाई जी सच्चाई है, सच्चाई को नहीं छुटना है, बहुत गुर्बत है, अमीर आदमी अमीर से अमीरतर हो गया, मिडिल क्लास गरीब में तब्दील हो गया, गरीब तो था ही गरीब, और महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाएं और अगर आप उस क्लास में पढ़ते हैं और मुड़ के पीछे देखेंगे तो हर दूसरे तालिबे के मुंह पे लिखा होगा कि इसकी माँ ने अपना जेवर बेच के सेमेस्टर की फीस दी, इसका बाप मखरूज हो गया, इसका बाप रक्षा चला रहा है, उसका बाप टैक्सी चला रहा है, सब मखरूज हैं, क्योंकि हर चीज़ आपके यहाँ सेहत बिक रही है, आपके यहाँ तालीम बिक रही है और अच्छा कमाया जा रहा है इस पर, गरीब और आवाम की किसको फिक्र है, किसी को फिक्र नहीं। सिंपल ये है कि एक पब्लिक को क्या मैसेज देंगे इस हवाले से कि JDC जो काम कर रहा है उसके लिए कोई अपील हो, कोई भी मैसेज हो? मैं पब्लिक को बस यही मैसेज दूंगा, JDC के लिए कुछ नहीं कीजिए भाई, सिर्फ इतना कीजिए जब रोड पे सड़क पे निकलिए आपकी नज़र इतनी साफ होनी चाहिए कि आपको जितने लोग सड़क पे घूम रहे हैं सब अपने दिखें, ना कोई पंजाबी दिखे, ना महाजिर दिखे, ना सुन्नी दिखे, ना शिया दिखे, ना क्रिश्चियन दिखे, जब आपको समझ में आ जाएगा ये सब अपने हैं, इनके दुख भी वैसे हैं जो आपके दुख है, जब इनकी बहन की शादी नहीं होती तो इनके भाई का भी वही दुख है जो आपका दुख है कि भाई पैसे की वजह से मेरी बहन रुखसत नहीं हो रही, मैं अपने बच्चे को अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिला सकता, मैं अपने बच्चे की सेमेस्टर की फीस नहीं भर सकता, तो वही दुख इन सबका भी, सब आपके अपने हैं, जब आप सबको अपना समझोगे मोहब्बतें बढ़ेंगी और मोहब्बतें बढ़ेंगी तो जितनी लड़ाइयाँ हैं जबान के नाम पर मजहब के नाम पर सब खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।